परवाना खुदा जाएगा दबंग करके थोड़ी सी शमा जलाओ तो सही। सोचती हो बहुत अम है पख्तून ख्वा में, पहुंचे कभी खुशबू लगा के मैदान जाओ तो सही। वादा में छोड़ दूंगा जस भंग अफ्यून, तो बस मस्त नैन मिलाओ तो सही। सामने आओ तो सही, ये रात सबको बताओ। अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मौजू पे आप सबका थोड़ा सबक चाहूंगा वो मौजू है सब कहते हो। तो जी साथियों, जब मुझे इजाजत मिल ही गई है सब कुछ कह देने की, तो मैं आप सब से कह देना चाहता हूँ कि इस इंसान हर चीज को गौर से देखिए। ये वही मखलूक है जिसकी वजह से मेरी माँ बचपन में मुझे दोपहर को बाहर जाने नहीं देती थी कि बेटा बाहर मत जाना, गंदे बच्चे फिर रहे हैं। तो यही वो लोग होते हैं जो इब्राहिम जैसे मासूम लड़कों को रातों में लड़कियां बन के तंग करते हैं। यार ना, मैं पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से और कालिया की करती हूँ। मुझे सब कह दो तो मैं कह देना चाहता हूँ कि दुनिया में तीन किस्म की लड़कियाँ होती हैं। लड़कियाँ खूबसूरत लड़कियाँ और यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ। कभी मैं कोई लड़की की बुराई नहीं कर रहा, बल्कि खवातीन तो इतनी मेहनती होती हैं कि इतनी मेहनती और मजबूत होती हैं कि सिर्फ 1% लड़कियां खूबसूरत होती है, बाकी 99 अपनी मेहनत से बनती हैं। और मजबूत इस तरह कि हजारों साल पहले अरब ने अपनी लड़कियों को जमीन में गाड़ दिया और आज वही जमीन तेल दे रही है। जब मैं एंजेलिना को बूढ़े के साथ देखता हूँ, ऐश्वर्या को लंबे के साथ देखता हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं किसी लड़की को इस लंबे के साथ देखता हूँ। यहाँ का बैठा हुआ हर जवान इकबाल की शाहीन से कम नहीं, लेकिन इकबाल की शाहीन और यहाँ की शाहीन में कुछ फर्क है। इकबाल का शाहीन पहाड़ों की चट्टानों पे उड़ान करता था और यहाँ का शाहीन लड़कियों पे टांके डालता है। और यहाँ के शाहीन के पास 300 लड़कियों के नंबर है, जिले का ब्लेड इस्तेमाल करते हैं, बाटा के जूते पहनते हैं, केचप में केला डबो के खाते हैं। बंदा बेशरम होना चाहिए, इज्जत पानी चाहिए। पहाड़ों को मुहैया करता था और यहाँ का शाहीन कबूट इस्तेमाल करता है। यहाँ का हर शाहीन दिन भर कैफेटेरिया के सामने खड़ा होके जब रात को घर जाता है तो बिस्तर पे लेटते ही बेसाते ही कहने पे मजबूर हो जाता है, ऐ रात मुझे माँ की तरह गोद में ले ले, दिन भर की पूंदी से बदन फूट रहा है। आज की मेरी तकरीर का मौजू है सब कह दो, तो मैं इस बात का पूरा पूरा और जायज फायदा उठाते हुए कह देना चाहता हूँ कि हमारे सौ भाई बहुत मासूम इंसान है। एक बार इनके मामा जान जापान से तशरीफ लाए, इनके मामा का नाम था मामा गुलफकीर खान। ये अपने मामा के पास बैठे बातें कर रहे थे तो इन्होंने कहा, मामा गुलफकीर खान क्या आप जापानी? उन्होंने कहा नहीं। इन्होंने दोबारा सोच के पूछा, मामा गुलफकीर खान क्या आप जापानी हैं? उन्होंने कहा नहीं। इन्होंने दोबारा कहा, मामा गुलफकीर खान क्या आप जापानी है? उन्होंने कहा नहीं, मैं जापानी नहीं। इन्होंने कहा, मामा गुलफकीर खान क्या आप जापानी है? उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं जापानी, क्या मसला है? इन्होंने कहा अगर आप जापानी लगते नहीं। एक बार तो सौ भाई ने मासूमियत की इजहार कर दी। मुझे किसी दोस्त ने बताया कि सौ भाई बहुत जख्मी है। मैं इनकी आदत में इनके घर गया और पूछा कि सौ भाई आप जख्मी कैसे हुए? इन्होंने कहा कि बस यार कुछ लोगों ने बहुत मारा मुझे। मैंने वजह हैरान होकर पूछी क्यों? तो इन्होंने कहा मैं कब्रिस्तान के मेन गेट पे लिखाया था अपनी शांति। जब बात हो रही शराफत की,
शराफत खुद में कूट कूट के भरी है, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा मेरे बाबा ने कूट कूट के मार मार के भरी है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप यूनिवर्सिटी को देख लीजिए और देख लीजिए हमारे सोच भर हुई इतनी तेजी से आप फिजी रन की बनाना जितनी केमिस्ट्री में बहने बना रही। जब बात हो रही है सब कैदों पे, तो मैं आपको अपनी हम मतलब साथी कारोबार के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। वैसे तो हम सब जानते हैं कि लड़कियों के पास खजानों का बहाना बालों का खजाना होता है, क्या बात। और ये सही वक्त और मुनासिब अंदाज में इस्तेमाल करने का हुनर भी जानती है। मिसाल के तौर पे नईम नासिर साहब को हम हमेशा ये कहकर देती है कि सर गर्ल्स हैव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ बॉय। खैर अब इनसे यही कहा जा सकता है, शिकवे तो है हजार मगर जाने दिवाकार। अब यूनिवर्सिटी से निकल के बात करते हैं मुल्की सतह पर, जहाँ हमारा मुल्क कुदरत की दौलत से मालामाल है, वहाँ पे लोटो और सोटो की भी कमी नहीं। लेकिन जो चीज रविश सिर्फ लोटो और सोटो पे क्यों, ये जो हमारे सरदारी प्रकारी खान जमाल कमाल की बात तो हमारे रीत साहब का है, जिन्हें अल्लाह ने बोलने की ताकत दी भी तो उनकी उनकी अट्टी भी तो कान की डिग्री तो डिग्री होती है, चाहे यूनिवर्सिटी की हो या थर्मामीटर। हुआ एक हुआ क्या बलूचिस्तान में ऐसा, एक रक्षे में हुआ फसर पैदा, ट्रैफिक रुक भी जाए बलादत रुक नहीं सकती, इशारा बंद था फिर भी हुआ मुझे नजर पैदा। देख लीजिए टेक्नोलॉजी, आज तक किसी के एम्बुलेंस को बचा नहीं, हमारे यहाँ रिक्शे में